आलमी खबर में आपको बताएं कि अमरीकी सदर ट्रंप ने सयाह फाम शहरी की हलाकत पर एहतजाज करने वाले मुजाहरीन को शरपसंद करार दे दिया है। कहते हैं इंतहा पसंदों की कार्रवाइयों और लूटमार करने वालों को झूठा मीडिया जानबूझ कर नजरअंदाज कर रहा है। मीडिया का ये किरदार अफसोसनाक है। पुलिस के हाथों हलाक होने वाले अमरीकी सयाहफाम शहरी जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के बाद दुनिया भर में सयाहफाम शहरियों के हकूक के लिए एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी है। अमरीका के कई शहरों में मुजाहरीन ने कर्फ्यू तोड़ा और एक बार फिर मुजाहरीन व्हाइट हाउस के बाहर जमा हुए। उन्होंने अमरीकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो वाकई में मुलव्वस अहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाए। अमरीकी सदर ट्रंप ने मुजाहरीन को शरपसंद करार देते हुए मुजाहरीन का जिम्मेदार मीडिया को करार दिया है। उन्होंने कहा है कि इंतहा पसंदों की कार्रवाइयों और लूटमार करने वालों को झूठा मीडिया जानबूझकर नजरअंदाज कर रहा है। मीडिया का यह किरदार अफसोसनाक है। ट्रंप ने कहा कि ऐसा लगता है कि सब मुजाहरीन के साथ मिल गए हैं और उनके लिए ही काम करने लगे हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि अब्राहम लिंकन के बाद सयाहफाम अफराद के लिए सबसे ज्यादा मेरी हुकूमत ने काम किया है। हम उनकी बेरोजगारी के लिए खसूसी इकदामात कर रहे हैं। ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी के सदारती उम्मीदवार जो बाइडन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि जो बाइडन ने 40 साल की सियासत में कुछ नहीं किया क्योंकि उन्हें मसाइल का इदराक ही नहीं है। दूसरी जानिब मुजाहरीन की सफों में शामिल शरपसंदों ने अमरीका के मुख्तलिफ इलाकों में लूटमार की और कई स्टोर्स के ताले भी तोड़ दिए और माल ले उड़े। मुजाहरीन ने आईफोन के दफ्तर पर भी धावा बोला और माल समेट कर फरार हो गए।